दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लेकर नए डीजीपी आर के विश्वकर्मा की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और उनके इस बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि यूपी पुलिस भर्ती को लेकर डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद 1988 के बैच के आईपीएस अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा के प्रदेश कार्यवाहक डीजीपी को चुना गया। इन्होंने बताया कि 4 लाख से अधिक फोर्स को बढ़ाया गया और ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी को डबल किया गया है। इस कारण से मतलब जल्द ही से जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखी जा सकती है। आप सब लोग इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द हो सके इसी महीने के अंदर आ जाए। आपको ऐसे वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।